चांद पे जाने का सपना पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों को दिखाने का कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। यहाँ आप लोगों को पता है क्या हो रहा है? क्या यहाँ क्या जोर से बोलिए, क्या हो रहा है? उत्तरायण की सफलता को देखने के लिए और देश पर बच्चे गौरवान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये सब समझ में नीतीश जी तेजस्वी जी को नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ। असलम अब्बास चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। सफल लैंडिंग को लेकर लोग कितना दुआएं कितने प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसको भी आपने सुना और समझा और देख भी रहे हैं कि लोग कितना इसे आशा की नज़र से देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलके में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष के नेता भी इसको लेकर बधाई देते दिख रहे हैं, लेकिन अंतर आत्मा से कुछ न कुछ कुंठित भी नज़र आ रहे हैं। इसी सवाल को लेकर आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में स्कूली बच्चे लोग चंद्रयान की सफल जो है लैंडिंग को लेकर अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। बच्चे छात्राएं इसको देख रहे हैं, तो बिहार में ऐसा कोई आयोजन बिहार सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जरा आप सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं नित्यानंद राय। बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। चांद पे जाने का सपना पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमुखी भारत की प्रतिभाएं विश्व स्तर पर स्थापित हो रही है। आज चंद्रयान 3 की सफलता की शुभकामना, और जब प्रधानमंत्री जी का विजन और इसरो के वैज्ञानिकों का संकल्प एक साथ मिलकर इस कामयाबी को अंजाम दिया है, बहुत बहुत शुभकामना इसके लिए। अच्छा, तेजस्वी यादव ही काम ही रह गया 2024 में जाएगा इन लोगों को जो इधर। देखिए, आज चंद्रयान 3 की सफलता को देखने के लिए, उस मनोरम दृश्य को और भारत के उस गौरव के लिए आज शिक्षण संस्थानों में आज विद्यार्थियों को दिखाने का कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। यहाँ आप लोगों को पता है क्या हो रहा है? क्या यहाँ क्या जोर से बोलिए, क्या हो रहा है? नहीं पता। तो अगर कहीं किसी कोने में कोई कर भी रहा होगा तो उसको नज़रअंदाज करके आज चंद्रयान 3 को ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासी, यहाँ तक कि बच्चे इतने उत्सुक है कि आज मैं 2-3 घरों पर गए तो बच्चे पूछ रहे थे कि चंद्रयान अंकल, चंद्रयान 3 अंकल आज एकदम सफलतापूर्वक, आज वो कितना मन में चंद्रयान की सफलता को देखने के लिए और देश पर बच्चे गौरवान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये सब समझ में नीतीश जी तेजस्वी जी को नहीं आएगा। तो आपने नित्यानंद राय को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे बिहार सरकार को प्रति, साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ये तो देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ये इतिहास में नाम जो है लिखा जाएगा, इतिहास की बातें होंगी। अब जो है हमारा देश, हम भारत की जो तूती है, मजबूती है, जो विकसित भारत की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी चर्चा पूरे दुनिया में अब होगी, और साथ ही साथ पूरे देशवासी इसको लेकर अपने आप को फख्र और गर्व महसूस करेंगे। तो आपने नित्यानंद राय को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं चंद्रयान 3 को लेकर? कितना देश के लोग इससे गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप को? आप कितना लगाव रखते हैं चंद्रयान 3 से? हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।